नमस्कार साथियों। तो आज हम संविदा विधि के कुल 100 MCQ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो हमने LLB और BLLB के फर्स्ट सेमेस्टर प्रीवियस एग्जाम पेपर से लिए हैं, तो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसके पहले जो हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम भारतीय संविधान अधिनियम 1872 को देखेंगे कि किस तरीके से इसे डिफाइन किया गया है। तो ये जो है हमारा 1872 का अधिनियम है, भारतीय संविधान अधिनियम 1872, इसकी इनेक्टमेंट डेट जो है 25 अप्रैल 1872 है। ये अधिनियमित होने की तिथि है। और ये अधिनियम लागू कब हुआ था? तो ये अधिनियम लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को, जो इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। तो जैसा कि विधियाँ, दो विधियों को दो श्रेणियों में रखा गया है। एक तो सारभूत विधियाँ होती हैं और दूसरा जो है प्रोसीजरल, जिसे हम प्रक्रियात्मक विधियाँ बोलते हैं। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं इस संबंध में कि प्रक्रियात्मक विधियाँ कौन सी होती हैं और सारभूत विधियाँ कौन सी होती हैं। तो ये भारतीय संविधान अधिनियम जो है हमारा, ये सारभूत विधि के अंतर्गत आता है, मूल विधि के अंतर्गत आता है, जिसे हम सब्सटेंटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं कि इस अधिनियम में, जब मूल अधिनियम ये बनकर तैयार हुआ था, मूल अधिनियम में 266 धाराएं और एक अनुसूची दी गई थी और 11 अध्याय दिए गए थे। तो इस अधिनियम में वर्तमान समय में दो अध्याय जो है वो निरसित है, अध्याय 7 और अध्याय 11। तो अध्याय 7 जो है सेल ऑफ गुड्स के बारे में बात करता है और अध्याय 11 पार्टनरशिप के बारे में बात करता है। तो 239 से लेकर 266 तक धाराएं निरसित हैं 11वें अध्याय में, और एक शेड्यूल वो भी निरसित कर दिया गया है। और अध्याय 7 जब हम देखेंगे तो वहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है कि सेल ऑफ गुड्स के बारे में जो बात करता है अध्याय 7, तो ये भी निरसित हो चुका है। धारा 76 से लेके धारा 123 तक ये निरसित हो चुकी है। ठीक है, तो अब अध्याय 7 देखते हैं, ये किस अधिनियम के द्वारा निरसित हुआ और अध्याय 11 किसके द्वारा निरसित हुआ। तो अध्याय 7 जो है हमारा, ये निरसित हुआ है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के द्वारा। ठीक है, और जो अध्याय 11 है वो निरसित हुआ है भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत। तो ये इसमें वर्तमान समय में अब ध्यान रखना है कि 238 तक धाराएं, कुल 10 अध्याय दिए गए हैं। ठीक है, जो लास्ट हमारा अध्याय है वो एजेंसी के बारे में बात करता है, अभिकरण के बारे में, 10वां अध्याय। तो चलिए आप क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं, सारे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा, एक संविदा का मतलब है। तो इसका राइट आंसर है करार या प्रस्ताव, स्वीकृत या प्रतिज्ञा। तो संविदा का मतलब होता है करार से। ठीक है, तो जब हम अधिनियम की धारा 2H को देखेंगे, ठीक है, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि संविदा क्या है। तो N देखिएगा, 2H एन एक्ट एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। ठीक है, तो अधिनियम की धारा 2H ये कहती है कि वह करार जो विधतः प्रवर्तनीय हो संविदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें जो प्रोमाइज है, इसे प्रोमाइज को जो है संविदा अधिनियम में कहाँ डिफाइन कर रखा है, इसे भी देख लीजिएगा। तो प्रोमाइज को डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2B में डिफाइन कर रखा है, देख लीजिएगा। प्रोमाइज के बारे में बताया गया है कि प्रोमाइज क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, संविदा धारा के तहत परिभाषित किया गया। तो जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि धारा 2H में संविदा को परिभाषित किया गया है। ठीक है, और 2A में किसे परिभाषित किया गया है? तो 2A में प्रस्तावना, जिसे हम प्रपोजल बोलते हैं, और 2B में प्रतिज्ञा या वचन, प्रोमाइज बोलते हैं, उसे परिभाषित किया गया है, देख लीजिएगा वेयर एक्ट में। तो 2G में क्या परिभाषित किया गया है हमारा, कि वह शून्य करार क्या होता है। तो
एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ इज सेड टू बी वॉइड। तो ये दो जी में परिभाषित कर रखा है कि वह करार जो विद्यतः प्रवर्तनीय ना हो तो वो शून्य करार है, ठीक है। और दो बो बी में जो है प्रोमाइज को परिभाषित कर रखा है, और दो ए में प्रस्तावना, जिसे प्रपोजल या ऑफर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर टू का, टू एच संविदा। क्वेश्चन नंबर तीन हमारा है, करार को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो करार को परिभाषित किया गया है धारा दो ई में। लैंग्वेज देख लेते हैं एक बार डायरेक्ट की। तो यह है इवरी प्रोमाइज एंड इवरी सेट ऑफ प्रोमाइज फॉर्मिंग एंड कंसाइडरेशन ऑफ ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो यहाँ पर इसका मतलब है हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, ठीक है, तो वह करार है। तो करार की परिभाषा क्या दी गई है कि हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, करार है। तो ये करार को हमारा परिभाषित किया गया है धारा दो ई में। अब शून्य करार क्या होता है, तो अभी हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में शून्य करार को देखा था। तो शून्य करार को जो है टू जी में डिफाइन किया गया है। देख लीजिएगा टू जी में शून्य करार को डिफाइन किया गया है, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाई लॉ इज सेड टू बी वॉइड। वह करार जो विद्यतः प्रवर्तनीय ना हो शून्य कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया क्वेश्चन का, टू जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव देखेंगे कि प्रस्ताव का संचार पूरा हो जाता है जब यह उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाता है जिसे यह बनाया गया है। भारतीय संविधान नियम 1872 की धारा के तहत चर्चा की गई है। तो इसकी चर्चा की गई धारा दो में, धारा दो चार में, तो धारा दो बी बी में, या धारा दो ए में। तो इसकी चर्चा जो की गई है वो धारा चार में की गई है। देखिए दिखाता हूँ आपको कि संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है। प्रस्ताव के निरसन पर किस धारा के तहत चर्चा की गई है। तो प्रस्ताव के निरसन पर जो है धारा पांच में इसकी चर्चा की गई है। आप बैरेट खोल लीजिएगा और क्वेश्चन को जो है सॉल्व कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर सात है हमारा, प्रस्ताव के निरसन के विभिन्न तरीकों को किस धारा के तहत या अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो यह परिभाषित किया गया है धारा छह में, प्रतिसंहन वचन विबंधन के सिद्धांत को किस पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया। धारा दो डी के अनुसार भारतीय संविधान नियम 1872 में क्या परिभाषित किया गया था। तो दो डी में क्या परिभाषित किया गया है, प्रतिफल को, ठीक है, जिसे कंसाइडरेशन बोलते हैं। और प्रस्ताव जो प्रपोजल होता है तो इसे प्रस्तावना टू ए में, इसके प्रपोजल के बारे में टू ए में डिफाइन कर रखा है, और जो है टू बी में प्रोमाइज के बारे में, जैसे स्वीकृति का ही आशय लगाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेन, संविदा का अर्थ है केवल वही व्यक्ति जो संविदा के पक्षकार हैं उसे लागू कर सकते हैं। तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो यह है गोपनीयता का सिद्धांत। ये पुनः स्थापना का सिद्धांत, वचन विबंधन का सिद्धांत और निराशा के सिद्धांत, ये किसी हम सेपरेट वीडियो में चारों सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी केवल हम क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नियम 1872 की
धारा कहती है कि संविदा पक्षकार सक्षम होने चाहिए जिसमें तो इसका राइट आंसर है धारा 11 में डिफाइन किया गया है कि संविदा के पक्षकार जो है सक्षम होने चाहिए। देखिए धारा 11 आपको दिखाते हैं, संविदा करने के लिए कौन सक्षम है? तो हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अध्यधीन है प्राप्त वय हो, माइनर होना चाहिए ठीक है, और स्वस्थ चित हो और किसी विधि द्वारा जिसके वह अध्यधीन है संविदा करने के लिए निर्हित ना हो ठीक है, तो वह व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है। तो ये धारा 11 में जो है डिफाइन किया गया, तो इसका राइट आंसर धारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवयस्क करार की स्थिति पर चर्चा किसके द्वारा की गई है? तो कौन से बाद में अवयस्क करार के बारे में बताया गया है? तो जब ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसका राइट आंसर है मोहरी वीवी वर्सेस धर्मदास घोष, इस बाद में जो है अवयस्क करार के संबंध में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अवयस्क के लाभ के तहत प्राप्त किया है तो किस सिद्धांत के तहत लाभ को वापस करने की आवश्यकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकृत चित व्यक्ति की स्थिति क्या होती है? तो विकृत चित द्वारा जो व्यक्ति विकृत चित है, अनसाउंड माइंड है, उसके द्वारा किया गया करार वर्डेबल होगा, वर्ड होगा, या वर्ड अब इंटिनो होगा या वैलिड होगा, तो जो है वो आरंभ से ही शून्य होता है। प्रपीड़न को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो प्रपीड़न को जो है धारा 15 में परिभाषित किया गया है। देख लीजिएगा प्रपीड़न को जो है धारा 15 में परिभाषित किया गया है। प्रपीड़न करना किसी भी कार्य को करने की धमकी आईपीसी द्वारा निषिद्ध है, यह किस धारा में चर्चा की गई है? तो ये धारा 15 में ही इसकी चर्चा की गई है। संविदा उवेरिया फाइड्स है, तो यह एक लैटिन शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अत्यंत संभावना की संविदा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। झूठे बयान के एक निर्दोष गलत बयान को किस रूप में जाना जाता है? तो वैध संविदा के रूप में जाना जाता है, या शून्य संविदा, या शून्यकरणी संविदा, या दुर्व्यपदेशन, तो इसे दुर्व्यपदेशन के रूप में जाना जाता है। तो इसे डिफाइन कहा गया है, तो जब धारा 18 देखेंगे भारतीय संविदा अधिनियम की, तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा दुर्व्यपदेशन। ठीक है देख लीजिएगा धारा 18 में दुर्व्यपदेशन की परिभाषा दी गई है कि दुर्व्यपदेशन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस धारा के अनुसार प्रत्येक करार अवयस्क को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को विवाह में बाधा है शून्य है, तो ये किस धारा में चर्चा की गई है? तो इसकी जो है धारा 26 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाजी के करार किस में समझाया गया है? तो किस बाद में बाजी के करार के संबंध में समझाया गया है? तो यह हमारा कारगिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी 1893 का ये वाद है। ठीक है तो इसमें जो है बाजी के करार के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 31 के तहत किसको परिभाषित किया गया है? तो धारा 31 में परिभाषित किया गया है आपतिक संविदा को, और बाजी करार को जो है धारा 30 में पद्धम के तौर के करार को जो है सुन बाजी के करार को जो धारा 30 में जो है डिफाइन किया गया है। तो धारा 30 क्या कह दिया है? पद्धम के तौर के करार जो है शून्य होते हैं, और सहमति जो है
धारा 13 और 13 में सहमति को परिभाषित किया गया, धारा 14 में स्वतंत्र सहमति, और वैध प्रतिफल जो है धारा 2D, हम पिछली भी क्वेश्चन में देख चुके हैं, जो धारा 2D है उसमें वैध प्रतिफल कंसाइडरेशन को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये उचित समय और स्थान पर बिना शर्त के अनिवार्य है, तो क्या जो है इसका राइट आंसर होगा, निविदा होनी चाहिए, तो निविदा होनी चाहिए बिना शर्त के, टेंडर जो होता है वो बिना शर्त के होना चाहिए, टेंडर। निविदा क्या होती है, तो निविदा जब कोई टेंडर, जैसे कॉन्ट्रैक्टर होता है कि मैंने किसी को प्रस्ताव रखा कि एक मुक्त राशि में कि मेरा ये कार्य है, तो एक निश्चित राशि मैंने तय कर दी कि इतने में जो है इस कार्य को करना है आपको, अगर आपको वो एक्सेप्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया, तो ये निविदा होती है, ठीक है। तो इसे किसी सेपरेट वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपने आप में असंभव कार्य करने के लिए एक करार शून्य है, जिसका उल्लेख किस धारा में किया गया है, तो इसका उल्लेख जो किया गया है वो धारा 56 में किया गया है, ठीक है। धारा 56 क्या कहती है, असंभव कार्य करने का करार जो शून्य होता है, ठीक है। और धारा 54 जो है 52 में व्यतिकारी वचनों के पालन का क्रम दिया गया है, और धारा 58 में जो है अनुकल्पी वचन जिसकी एक शाखा अवैध हो, ठीक है। और धारा 54 जो है व्यतिकारी वचनों से गठित संविदा में उस वचन के व्यतिक्रम का प्रयास जिसका पालन पहले किया जाना चाहिए, तो ये धारा 54 बात करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब संविदा का पालन असंभव हो तो पक्षकारों के मन में जो उद्देश्य होता है वह किस सिद्धांत से निराशा होता है, तो ये जो है निराशा का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक संविदा के लिए आवश्यक नहीं है, सक्षम पक्षकार, उचित नियम, स्वतंत्र सहमति, विधिपूर्ण प्रतिफल। तो एक संविदा के लिए आवश्यक तत्व तो कौन कौन से होते हैं, सक्षम पक्षकार होना चाहिए, स्वतंत्र सहमति भी होनी चाहिए, विधिपूर्ण प्रतिफल भी होना चाहिए, परंतु ये उचित नियम इसे नहीं दिया गया है परिभाषा में, तो इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। ये आवश्यक तत्व तो नहीं है संविदा का। एक संविदा एक करार बन जाता है जब वह पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति पर या पक्षकार सक्षम हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक संविदा एक करार कब बन जाता है, जब वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, ठीक है। जैसा कि हमने परिभाषा में भी देखा था, देख लीजिएगा एक बार, फिर दिखाना चाहूंगा कि एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाई लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, देख लीजिएगा इनफोर्सेबल बाई लॉ, तो इसका राइट आंसर है इट इज इनफोर्सेबल बाई लॉ, तो यह विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानकीकृत संविदा में व्यक्ति के पास रेखा को स्वीकार करने और हस्ताक्षर विकल्प चुनने के अलावा कोई और नहीं, या फिर व्यक्ति की रक्षा की जानी चाहिए, या प्रतिफल के बिना करार, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए। एक मानकीकृत संविदा में व्यक्ति के पास रेखा को स्वीकार करने और हस्ताक्षर विकल्प चुनने के अलावा कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविदा निर्माण में सही क्रम क्या है, तो एक संविदा कब पूर्ण होती है, कि जब कोई व्यक्ति पहले प्रस्ताव रखता है, उसके बाद जो है स्वीकृति, दूसरा पक्ष जो है स्वीकृति देता है, और वैध प्रतिफल होना चाहिए दोनों में, दोनों के बीच, और फिर उसके बाद जो है करार होना चाहिए, तो इसका जो है सही क्रम है डी, प्रस्ताव, फिर स्वीकृति, फिर प्रतिफल, तब करार,
तब जाके वो है संविदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पागल खाने में एक रोगी जो स्वस्थ दिमाग के अंतराल पर है वह क्या कर सकता है, वह संविदा जो है कर सकता है या नहीं कर सकता है या कभी भी संविदा नहीं कर सकता है, उन अंतरालों के दौरान संविदा कर सकता है जब वह स्वस्थ दिमाग का है। तो इसका राइट आंसर है जब वह स्वस्थ दिमाग का होता है तो उन अंतरालों में जो है संविदा कर सकता है। तो इसका डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नीलामी द्वारा बी को घोड़ा बेचता है जिसे ए अस्वस्थ होने के लिए जाना है। ए घोड़े की अवस्था के बारे में बी को कुछ नहीं कहता है, क्या कर सकता है? कपट तुर्व्यवतेशन या कपट नहीं असम्यक असर। तो इसका राइट आंसर है कपट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब तथ्य के मामले में दो पक्ष भूल से होते हैं तो करार क्या होता है? कि कोई भी संविदा जिनमें दोनों पक्षों को ज्ञान नहीं होता तो ऐसी संविदा क्या कहलाती है? तो ऐसी संविदा कहलाती है नॉट वॉइड, ठीक है, संविदा नहीं, शून्य नहीं। भारत में लागू कानून के रूप में भूल से करार पर क्या प्रभाव होता है या क्या होगा, ठीक है? तो इसका आंसर है राइट आंसर शून्यकरणी नहीं। स्वतंत्र सहमति के बिना किया गया करार सदैव शून्य होता है, शून्यकरणीय होता है या गैर कानूनी, या तो शून्य या शून्यकरणीय। तो इसका राइट आंसर है शून्यकरणीय। जो स्वतंत्र सहमति के बिना करार किया जाता है वो वर्डेबल होता है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है? अवयस्क द्वारा किया गया करार शून्य है, बाजी करार शून्य होता है, आपसी भूल करार शून्य है या प्रतिफल के बिना करार शून्य है। तो इसका राइट आंसर क्या है? आपसी भूल करार शून्य है। तो इसका राइट आंसर ये है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये जो है सत्य नहीं है, ये सत्य है। आप जानते हैं कि अवयस्क द्वारा करार किया गया करार शून्य होता है, बाजी करार भी शून्य है। अभी सेक्शन धारा 30 में हमने देखा था बाजी करार के बारे में, और ये प्रतिफल के बिना करार भी शून्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आध्यात्मिक गुरु ने अपने भक्त को उसकी आत्मा की रक्षा के लिए एक पूरी संपत्ति उपहार में देने के लिए प्रेरित किया। उपहार में देने के लिए प्रेरित किया उपहार क्या होगा? तो ऐसा उपहार शून्य होगा, शून्यकरणीय के अंतर्गत आएगा, या वैध होगा या अनैतिक होगा। तो इसका राइट आंसर है शून्यकरणीय संविदा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तथ्य की बात के रूप में एक भूल के तहत पक्षकारों में से एक के कारण एक संविदा क्या है? शून्य, वैध या शून्यकरणीय या आरंभतः शून्य। तो इसका राइट आंसर है वैध। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा नियम से संबंधित है? कोई सहमति नहीं, कोई करार नहीं। तो ये धारा 13 से संबंधित है, या धारा 21, या धारा 20, या धारा 22। तो इसका राइट आंसर है ए, धारा 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यदि सहमति जबरदस्ती का परिणाम है तो करार शून्य है, यदि कोई पक्ष अवयस्क है तो करार शून्य है, यदि किसी करार का उद्देश्य गैर कानूनी है तो करार शून्य है, यदि करार पर विचार करना गैर कानूनी है तो करार शून्य है। तो इसका राइट आंसर है ए, यदि सहमति जबरदस्ती का परिणाम है तो करार शून्य है। तो ये जो है इसका गलत है। क्यों? क्योंकि जब सहमति जबरदस्ती से ली जाती है तो वो करार शून्यकरणीय होता है, वर्डेबल होता है, शून्यकरणीय होता है, ठीक है। करार शून्य नहीं, तो यहाँ पर करार शून्यकरणीय होना चाहिए, शून्यकरणीय,
तो इसका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, शून्य करार और शून्य करणी करार कौन से होते हैं, तो इस पर भी हम चर्चा किसी सेपरेट वीडियो में करेंगे। तो अभी इन क्वेश्चनों को समझते हैं। भारतीय संविधान नियम 1872 की कौन सी धारा प्रदान करती है कि जहां एक करार के दोनों पक्ष तथ्य की भूल के तहत समझौता, तो ऐसा शून्य है, समझौता शून्य, तो ये किस धारा के अंतर्गत आता है, तो यह आता है धारा 20 में। ठीक है, इनमें से कौन एक करार को शून्य कर सकता है, प्रपीड़न करने वाली सहमति या सहमति के कारण अनुचित प्रभाव या कपट करने वाली सहमति या व्यापार पर लगान लगाने का करार, तो इसका राइट आंसर है व्यापार पर लगान लगाने का करार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पर दोनों पक्ष समझौते के आवश्यक तथ्य की भूल के कारण एक समझौते के लिए, वह समझौता क्या होगा, शून्य करणी होगा या अभेद या शून्य या कपट होगा, तो इसका राइट आंसर है शून्य होगा। ठीक है, बिना किसी आशय के किया क्या प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा को हम क्या बोलते हैं, वचन क्या है, तो प्रोमाइज क्या है, ऐसा दुर्व्यपदेशन है, कपट है, अनुचित प्रभाव पड़ेगा या फिर प्रपीड़न है, तो इसका राइट आंसर है कपट। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की किस धारा के तहत साउंड माइंड शब्दों को परिभाषित किया गया है, तो इसे धारा 12 में या धारा 10 या धारा 11 या धारा 13 में, तो इसका राइट आंसर होगा धारा 12 में। चलिए एक बार धारा 12 को देख लेते हैं क्या कहती है। देख लीजिएगा, संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वस्थ चित क्या है, तो कोई व्यक्ति संविदा करने के प्रयोजन के लिए स्वस्थ चित कहा जाता है यदि वह उस समय जब वह संविदा करता है उस संविदा को समझने में और अपने हितों पर उसके प्रभाव के बारे में युक्ति संगत निर्णय लेने में समर्थ है। जो व्यक्ति प्राय विकृत चित रहता है किंतु कभी कभी स्वस्थ चित हो जाता है, वह स्वस्थ चित हो तब संविदा कर सकता है। जो व्यक्ति प्राय स्वस्थ चित रहता है किंतु कभी कभी विकृत चित हो जाता है, वह जब विकृत चित हो तब संविदा नहीं कर सकता है, तो यह धारा 12 में अनसाउंड पर्सन के बारे में प्रोविजन करता है। ठीक है, सेक्शन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी इस विश्वास के आधार पर संपर्क करते हैं कि भारतीय कानून द्वारा एक ऋण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो संविदा क्या है, संविदा क्या होगी, शून्य होगी, शून्य करणी या शून्य करणीय नहीं या उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर है शून्य करणीय नहीं। ठीक है, ए बी के जीवन के लिए एक संपत्ति का हकदार होने के लिए सहमत है कि इसे सी को बेच दिया गया है, बी समझौते के समय मर गया था लेकिन दोनों पक्ष अनजान थे, समझौता क्या होगा, वैध होगा, शून्य होगा या शून्य करणीय होगा या अवैध होगा, तो समझौता कैसा होगा, शून्य करणीय होगा। ए बी में एक घर खरीदने के लिए सहमत है, यह पता चलता है कि सौदे के समय घर भर चुका, सॉरी बिक चुका था, हालांकि किसी भी पक्ष की इस तथ्य की जानकारी नहीं थी, तो ये क्वेश्चन जो है गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर बिक चुका था और के लिए होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या है, शून्य, वैध या शून्य करणीय या अवैध। तो इसका राइट आंसर है वैध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से कहता है कि आप यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं मान लूंगा कि यह ध्वनि है, ये कुछ नहीं कहता है,
यहाँ ए का मौन किसके बराबर है? कपट के बराबर, दुर्व्यवदेशन या प्रपीड़न या भाषण के बराबर। तो ये एक स्पीच के बराबर है, भाषण के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी का समर्थन करता है, बेटा बी ए के खर्च करने का भुगतान करने की प्रतिज्ञा कर रहा है, तो ये क्या है? तो यह एक संविदा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक करार में कम से कम किसके बीच पारस्परिक प्रतिज्ञा होते हैं? तो दो पक्षकार कम से कम होने चाहिए एक करार में, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रतिज्ञा और एक दूसरे के लिए प्रतिफल करने वाले प्रतिज्ञा का हर सेट क्या होता है? तो हर सेट क्या होता है? करार होता है। ये करार की परिभाषा है कि प्रत्येक वचन और एक दूसरे के लिए प्रतिफल करने वाले प्रतिज्ञा का हर एक वचन, जो वचन का हर एक सेट है, वो क्या होता है? करार होता है। तो करार को कहाँ डिफाइन किया गया है? धारा 2E में और संविदा को 2H में, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अपने व्यापारिक प्रतियोगी को हराने के लिए बी के साथ संविदा करता है, किसका उदाहरण है ये? वैध संविदा, अवैध संविदा, शून्यकरणी संविदा या अपरिवर्तनीय संविदा। तो ये कैसे संविदा है? वैध संविदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करार जिसका अर्थ अनिश्चित है वह क्या है? तो ऐसा करार क्या है? शून्य होगा। करार निश्चित होना चाहिए। एक तरफा अनुबंध है जिसमें केवल पक्षकार को अपना प्रतिज्ञा या दायित्व निभाना होता है। तो इसका राइट आंसर है शून्य संविदा, अवैध संविदा, एक तरफा संविदा या द्विपक्षीय संविदा। तो शून्य संविदा। सभी संविदा हैं, प्रस्ताव, करार, स्वीकृत, लेन देन, सभी संविदा कैसी हैं? करार होती हैं, सभी करार संविदाएं होती हैं, ठीक है। सॉरी, सभी संविदाएं करार हैं, ठीक है। लिख लीजिए, संविदा क्या होती है? जब करार हो प्लस प्रतिफल और विधि द्वारा प्रवर्तनीय होनी चाहिए तो वो संविदा है। और करार क्या होती है? किसी व्यक्ति ने ऑफर रखा और दूसरे व्यक्ति ने उसे एक्सेप्ट किया तो वो करार हो गया, ठीक है। हर प्रतिज्ञा और एक दूसरे के लिए प्रतिफल करने वाला प्रतिज्ञा का सेट क्या कहलाता है? तो ये भी पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। तो करार इसका राइट आंसर है। विधि द्वारा लागू करने योग्य हर करार और प्रतिज्ञा है, कॉन्ट्रैक्ट। विधि द्वारा लागू करने योग्य हर करार क्या होता है? तो ये संविदा की परिभाषा है, ठीक है, जिसे 2H में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक अवयस्क को जीवन की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है तो आपूर्तिकर्ता क्या कर सकता है? कीमत वसूल नहीं कर सकता है, कीमत वसूल कर सकता है, अवयस्क की संपत्ति से कीमत हटा सकता है, आपराधिक मामला दर्ज कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अवयस्क की संपत्ति से कीमत हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दूसरे के वैध, गैर अनाधिकार अनाधिकारिक कार्य के लाभों का आनंद ले रहा है, दूसरों को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है, दूसरों को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, दूसरे मुआवजे को दावा नहीं कर सकता, दूसरे मुआवजे का दावा नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर होगा सी, दूसरे मुआवजे का दावा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति दूसरे के वैध, गैर अनाधिकृत कार्य के लाभों का आनंद ले रहा है, ठीक है। ए जो एक व्यापारी है, भूल से बी घर पर अपना माल छोड़ देता है, बी का माल को अब बी एक माल को अपने रूम में उपयोग करता है, तब बी को
आवश्यकता नहीं है ए को भुगतान का, बी भुगतान करने को बाध्य है ए को, यह कोई संविदा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी को आवश्यकता नहीं है ए को भुगतान का। अर्ध संविदा किससे उभरा है, अनुमान से, अनिवेश से, अनुमान से, या गैर भय या दुराचार? तो इसका राइट आंसर है अनिमेष अनुमान से। ठीक है, एक व्यक्ति जो दूसरे से संबंधित सामान पाता है वह किसके सामान जिम्मेदारी के अधीन उन्हें अपनी हिरासत में लेता है, जमानत देने वाला या क्षतिपूर्ति ग्राही या अभिकर्ता या जमानत पर लेने वाला? तो इसका आंसर है जमानत पर लेने वाला। अर्धसंविदात्मक दायित्व किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है, लॉर्ड राइट या लॉर्ड समर या एंसल या लॉर्ड मैनफील्ड? तो इसका आंसर है लॉर्ड मैनफील्ड के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, वचन विवंदन को कभी कभी किस विकल्प के रूप में कहा जाता है, नवीनता या अर्धसंविदा या प्रतिफल या प्रपीड़न? तो इसे कहा जाता है अर्धसंविदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जहां पक्षकारों के चिंतन से परे परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण संविदा का निष्पादन असंभव हो जाता है वह कहलाता है निगरानी असंभव या नवीनकरण की संविदा या उत्साधन या संविदा की छूट? तो इसका राइट आंसर है निगरानी असंभव। कोई भी करार जो विभिन्न परिस्थितियों में करना असंभव हो जाता है तो वो शून्य करणीय होता है, शून्य, अवैध या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है वैध, सॉरी शून्य। एक संविदा को रद्द करने के माध्यम से बदल दिया जाता है कब, जब संविदा की एक या अधिक अवधि में परिवर्तन हो, या फिर लेनर प्रदर्शन की स्वीकृति, या एक पक्षकार के अधिकारों की परित्याग, या मौजूदा संविदा को रद्द करना? तो इसका राइट आंसर है डी, जो मौजूदा संविदा है उसको रद्द करना। आपसी समझौते से परिवर्तन में क्या शामिल हो जाता है, नवीनता, संशोधन या परिवर्तन या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है नवीनता भी हो जाता है और संशोधन भी शामिल हो जाता है और परिवर्तन भी शामिल हो जाता है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। जहां ठेका देने वाले पक्ष बदले तो यह किसका मामला है, क्षमा का, संशोधन का, नवीनता का या परिवर्तन का? तो इसका राइट आंसर है नवीनता का। यदि किसी मौजूदा संविदा के स्थान पर एक नया संविदा प्रतिस्थापित किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, परिवर्तन, नवीनता, त्याग या क्षमा? तो इसे कहा जाता है नवीनता। ए बी को 500 रुपये उधार देता है, वह बाद में बी से कहता है कि उसे राशि चुकाने की आवश्यकता नहीं है। संविदा को किसके द्वारा बदल दिया गया, उल्लंघन के द्वारा, परिवर्तन या नवीनता या पालन द्वारा, प्रदर्शन द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा त्याग द्वारा। जब पूर्ण निर्धारण नियमों को लागू किया जाता है तो इसे कहा जाता है कार्य कानून धारा या उपरोक्त सभी? तो इसे क्या कहा जाता है, कानून। जब पूर्ण निर्धारण नियमों को लागू किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, कानून, विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविदा विधि की किस शाखा के तहत सौदा करता है, व्यावसायिक शाखा के तहत, अंतर्राष्ट्रीय शाखा के तहत, साइबर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है व्यावसायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संविदा पक्षकारों के बीच दायित्वों को बनाने और परिभाषित करने वाला एक करार है
जिसे परिभाषा द्वारा परिभाषित किया गया है, अंबेडकर द्वारा या सालमन की परिभाषा द्वारा या पॉलेक के द्वारा या एनडी कपूर की परिभाषा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है सालमन के द्वारा, सालमन की परिभाषा के द्वारा। ठीक है, एक संविदा जब दोनों पक्षों ने पूरा किया है तो उनके दायित्व को वैध करार कहा जाता है, या शून्य करार कहा जाता है, या निष्पादित करार कहा जाता है, या एक पक्षीय करार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा निष्पादित करार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शब्द के लिए किए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, सामान्य प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव, बदनामी प्रस्ताव या निहित प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर होगा सामान्य प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविदा बोले गए शब्दों द्वारा किया जाता है, निहित, अभिव्यक्त या शून्य या विशेष। तो बोले गए शब्दों द्वारा किया जाता है अभिव्यक्त रूप से। ठीक है, प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, विक्रेता कहा जाता है, प्रस्तावक या प्रस्तावी या प्रतिज्ञा। तो जो ऑफर रखता है उसे क्या कहते हैं, ऑफरर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है प्रस्तावक। और जो ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं प्रस्तावी। सॉरी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है संविदा कब होती है, तो करार प्लस प्रस्ताव संविदा कहलाती है, या करार प्लस विधि संविदा कहलाती है, करार प्लस प्रतिफल। तो जब करार हो और विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो तो वो संविदा होती है। तो ये संविदा की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सेक्शन 2H देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। ठीक है, करार क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति प्रस्ताव रखता है और दूसरा व्यक्ति स्वीकृत करता है तो वो करार बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्ताव स्वीकार करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, प्रस्तावी। और जो प्रस्ताव रखता है तो उसे प्रस्तावक। प्रस्ताव होना चाहिए सशर्त होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए या उपरोक्त सभी। तो प्रस्ताव कैसा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। स्वीकृति की सूचना दी जानी चाहिए प्रस्तावक द्वारा, स्वीकारकर्ता द्वारा या प्रस्तावी द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वीकृति की सूचना किस व्यक्ति द्वारा दी जाती है, तो प्रस्तावक द्वारा। प्रतिफल हो सकता है वर्तमान, भूतकाल, भविष्य में या उपरोक्त सभी। तो प्रतिफल हो सकता है उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा वर्तमान में भी और भूतकाल। प्रतिफल मुद्रा और वैध होना चाहिए, या समरूप या नियम प्रति या वास्तविक। तो इसका राइट आंसर है प्रतिफल जो है वास्तविक और वैध होना चाहिए। तो दूर का हिस्सा नहीं है संविदा के लिए प्रतिफल शून्य है। प्यार और लगाव, खैरात, समय आधारित ऋण, सामाजिक समझौता। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक समझौता दूर का हिस्सा नहीं है संविदा के लिए प्रतिफल शून्य है। एक एक संविदा में प्रवेश करने में एक सक्षम व्यक्ति नहीं है। तो इसका राइट आंसर है एक अवयस्क एक संविदा में प्रवेश करने में सक्षम व्यक्ति नहीं है। ठीक है, जो व्यक्ति संविदा करने में सक्षम नहीं है उसमें कौन शामिल नहीं है, अवयस्क, अभिकर्ता, श्रावी
या शुद्ध दोष अपराधी? तो इसके लिए है अभिकर्ता, राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति संविदा करने में सक्षम नहीं है उसमें कौन शामिल नहीं है। तो संविदा करने में जो सक्षम नहीं है उसमें कौन शामिल नहीं है, तो ये अभिकर्ता जो है संविदा करने में सक्षम है तो ये इस क्वेश्चन में शामिल नहीं है। ठीक है, अवैध इसका आंसर नहीं है, ना शराबी ना सिद्ध दोष अपराधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुकसान की राहत किसके तहत कवर की जाती है? भारतीय संविदा अधिनियम द्वारा, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम द्वारा, या सीमा अधिनियम द्वारा, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के द्वारा नुकसान की राहत कवर की जाती है। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 किससे संबंधित है? तो इसके ये लास्ट 10 क्वेश्चन है इस पेपर में, तो ये विनिर्दिष्ट अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, तो विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 किससे संबंधित है? प्रतिपूरक उपचार से, साम्योपचार, या दोनों से? तो इसका राइट आंसर है साम्योपचार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 2018 लागू किया गया, लागू हुआ, तो इसके लागू होने की तिथि है 1 अक्टूबर 2018, और ये अधिनियमित कब हुआ? तो 1 अगस्त 2018 को अधिनियमित होता हुआ था, तो ये इनेक्टमेंट डेट है इसकी, लेकिन लागू होने की तिथि क्या है? 1 अक्टूबर 2018। तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम संशोधित 2018 द्वारा पेश किया गया कौन सा नया उपचार है? इसमें निषेधाज्ञा, या प्रतिस्थापित प्रदर्शन, संपत्ति की वसूली, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिस्थापित प्रदर्शन, तो ये इसका एक नया उपचार है। ठीक है, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 किसको राहत प्रदान करता है? केवल विशिष्ट राहत को, या केवल निवारक राहत को, या दोनों को? तो इसका राइट आंसर जो है सी होगा। तो ये अधिनियम जो है विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 विशिष्ट राहत और निवारक राहत दोनों को प्रदान करता है। 2018 संशोधन अधिनियम के बाद विशिष्ट प्रदर्शन को कुछ अपवादों के अधीन अनिवार्य किया जाएगा, जो संशोधन अधिनियम की धारा 11(2) और धारा 16 में विस्तृत है। तो इसका राइट आंसर होगा अनिवार्य, या विवेकाधीन, या दोनों? तो इसका राइट आंसर है अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट राहत का कानून किसका हिस्सा है? मौलिक कानून, प्रक्रिया संबंधी कानून, या दोनों का? तो ये जो है प्रक्रिया कानून संबंधी कानून है, विशिष्ट राहत का कानून। तो विशिष्ट अनुतोष अधिनियम जो है वो प्रक्रियात्मक विधि के अंतर्गत आता है, और संविदा अधिनियम जो है वो मौलिक कानून के अंतर्गत आता है। ठीक है, किस धारा के अनुसार विशिष्ट अनुतोष केवल नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए दी जानी है, न कि पैनल कानून को लागू करने के लिए? तो धारा 3 में बताया गया है, धारा 5, या धारा 4, या धारा 6? तो इसका राइट आंसर है धारा 4 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत दायित्व किस तरीके का होता है? व्यक्ति लक्ष्य अधिकार होता है, या सर्व लक्ष्य, या निर्भर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है व्यक्ति लक्ष्य अधिकार करता है। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत दायित्वों में क्या शामिल है? नैतिक दायित्व, सामाजिक दायित्व, धार्मिक कर्तव्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 5 और 6 परस्पर अनन्य है, यह कथन सत्य है, असत्य है, या आंशिक रूप से सत्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो यह कथन कैसा है? असत्य। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन संविदा विधि और विशिष्ट अनुतोष से संबंधित।